सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा किस किस को पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दलजीत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो। और जैसे कि मेरे पीछे देखने से आपको पता चल गया होगा कि मैं किचन में हूँ, तो डेफिनेटली मेरी जो आज की वीडियो है वो कुकिंग से रिलेटेड है। और आज जो मैं बना रही हूँ वो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। बनाया तो बहुत बार है बट आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया है, और बट वैसे तो मैं दो तीन तरीके से गाजर का हलवा बना लेती हूँ, बट ये जो है बहुत कॉमन है। मैं इसी तरीके से मोस्टली अपने घर पर गाजर का हलवा बनाती हूँ, और वही वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मिल्क लिया है, कोई 1 लीटर के आसपास मिल्क है, 1 किलो बोल सकते हैं आप लोग, उतना मैंने मिल्क लिया है। और उसके बाद मैंने कैरेट है जो 1 किलो के आसपास है, और बाकी का जो भी सामान हमें चाहिए वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना है, वहाँ पे देख सकते हो। और जब तक हमारा मिल्क गर्म होता है हम लोग गाजर को साफ़ करके उसे कद्दूकस कर लेते हैं। और जब तक मैंने गाजर को साफ़ करके कद्दूकस किया है तब तक जो है हमारा मिल्क बॉयल होना शुरू हो गया था। मैंने साथ में ही जैसे ही मिल्क बॉयल हुआ, जितनी गाजर कद्दूकस हो रही थी और उसे मैंने साथ में मिल्क में ऐड कर दी गई हूँ। जब हमने सभी कैरेट्स को कद्दूकस करके उसमें मिक्स कर दिया है, उसके बाद हमने सिर्फ इसे हिलाते रहना है और गर्म करते रहना है। इसे हमने तब तक गर्म करना है जब तक ये जो इसके बीच में मिल्क हमें दिखाई दे रहा है वो टोटली कैरेट के साथ मिक्स नहीं हो जाता। और जब तक ये गर्म हो रहा है हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल रहे हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स निकाल सकते हैं। मैंने काजू, बादाम, सौगी और कुछ खरबूजों के बीज लिए हैं इसमें डालने के लिए। काजू और बादाम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, ये इन्हें कट करना ऑप्शनल है, आप इन्हें ऐसे भी डाल सकते हो, बट मैं इन्हें कट करके डाल रही हूँ। तो हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। कोई 15 से 20 मिनट इसे गर्म करने के बाद जो इसमें मिल्क था वो टोटली गाजर में मिक्स हो गया है। और उसके बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं, जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो सारे मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। मैंने पाया शुगर लिए 250 ग्राम, तो 1 किलो कैरेट थी और 250 ग्राम शुगर ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये जो 250 ग्राम शुगर है वो इसमें नॉर्मल मीठा है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाना चाहते तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा या कम डाल सकते हो। और अब हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जैसे ही शुगर इसमें मेल्ट होगी तो थोड़ा सा इसमें पानी आ जाएगा, उसे हमने तब तक सेकना है, गर्म करना है ऐसे हिला के, ताकि जो इसमें पानी शुगर की वजह से आया है वो सारा इसमें मिक्स हो जाए। इसे कोई हमें 5 से 10 मिनट के लिए गर्म करना पड़ेगा, तो हमने ऐसे हिला हिला के इसे गर्म करते रहना है। और अगर हम इसे नहीं हिलाएंगे तो जो नीचे से जलना शुरू हो जाएगा, तो उससे उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसे हिला के गर्म करना है। We'll be right back.
कोई 5 से 7 मिनट तक गर्म करने के बाद जो शुगर थी इसमें टोटली मिक्स हो गई है। उसके बाद हमने एक बड़ा चम्मच घी का डालना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो घी को पहले भी मेल्ट कर सकते हो, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तो अभी हमने इसे अच्छे से मेल्ट करना है और इसमें मिक्स कर देना है। घी को मिक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही इसमें घी मिक्स हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, ग्राइंडेड कोकोनट जो है वो इसके ऊपर डालेंगे। वो हमने ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 टेबल स्पून ही लिया है, उसे उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। और ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है और इसे आप सर्व कर सकते हो। ये थोड़ी सी वीडियो मैंने अपनी डाली है, एट द एंड मैंने सोचा कि मैं भी अपनी वीडियो बना देती हूँ। मैंने बनाया है, मैं भी खा के देख लेती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी है। और मोस्टली मैं इसी मेथड से अपने लिए गाजर का हलवा घर पर बनाती हूँ। और भी 2-3 तरीके हैं, बट कॉमनली मैं यही यूज़ करती हूँ। बहुत टेस्टी बना था और आप भी इस डिश को ट्राई ज़रूर करना। बहुत ईजी है बनाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।